हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ टाइप्स और उसके कुछ ट्रांसलेशन भी हम करेंगे, ठीक है? जैसे कि टेंस का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके बाद आप इस अगर टॉपिक पर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझना ज़रूरी होंगी, ठीक है बेटा? चलो आ जाते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है बेटा? ये टेंस का ही एक पहला पार्ट है कह सकते हैं, ठीक है? अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बेटा बहुत पार्ट्स होते हैं, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपको कई पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे कि आपको अफर्मेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इंटरोगेटिव मिलेगा। इंटरोगेटिव में भी कुछ एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का इंटरोगेटिव भी होता है, ठीक है? तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में और इसके अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक अगर हम पार्ट में बनाएंगे बच्चा तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी, और अगर जल्दी जल्दी में हम समझा भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको आपको देखने के लिए आपको दो पार्ट्स देखने पड़ेंगे, ओके बेटा? चलो आ जाओ, अभी हम करते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं, जो मेन मेन पार्ट्स हैं, ठीक है? पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अफर्मेटिव। बेटा अफर्मेटिव बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, सिर्फ अफर्मेटिव है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी लाइन, ठीक है? निगेटिव में क्या होता है बेटा? जहाँ पर नॉट लग जाता है, ठीक है? जहाँ पर निगेटिव हो जाता है, जहाँ पर नॉट लग जाता है, ठीक है? इंटरोगेटिव मतलब जहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है? चलो फटाफट से हम रूल्स आपको बता देते हैं, ठीक है? आइए रूल्स देख लेते हैं बेटा। अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको पहली क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस, ये वी से बेटा वर्ब है, ठीक है? उसके बाद एस और ईएस लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर आगे कोई वर्ड है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है? उसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें, इंटरोगेटिव में हम यहाँ पर टी पर लाइन लगा देते हैं, ठीक है? इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें बेटा, उसमें क्या है? उसमें देखो दो केस बन जाते हैं इंटरोगेटिव में। इसमें क्या होगा, पहले तो आ जाता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज करते हैं, उसके बाद से डू या डज यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम डू और डज का यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद है बेटा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर मैंने ऊपर करके यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है? वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद बेटा आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और साथ में क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो आपको साथ में क्या करना है बेटा, क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर रूल्स में, यहाँ पर प्लस करके आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, अगर आप इंटरोगेटिव लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क बेटा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये था आपका इंटरोगेटिव का। उसके बाद अभी हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा आप वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? इंटरोगेटिव का आपने एक पहला देख लिया, दूसरा भी है इसके साथ, एक और आपको मिलेगा, ठीक है? मैंने पहले वाला दोबारा भी लिख दिया ताकि आपको कोई इशू ना हो। देखो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, यहाँ पर जैसे कि नॉट का वर्ड यूज़ हो गया है, ठीक है? तो नॉट भी अगर वर्ड यूज़ होता है तो नॉट भी आप लगाओगे, ठीक है? तो एक इसके साथ आपको एक और दूसरा मैं बता देती हूँ। देखो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, डू या डज है, ठीक है? अब जैसे मैटर करता है कि कौन सा, मतलब अगर वो प्लूरल में है तो बेटा डू लगेगा, सिंगुलर में है तो डज लगेगा, ठीक है? उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बेटा नॉट लिख दे रहा है, क्योंकि अगर आपके निगेटिव अगर केस है तो, ठीक है? वरना नॉट नहीं लिखना है, ठीक है? निगेटिव केस है तो आपको नॉट लिख देना है। देन आपका आ जाता है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, साथ में आपको प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क आप मत भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव है इसलिए मैंने बार बार लिखा नहीं। क्वेश्चन मार्क बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लिखना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका इंटरोगेटिव है तो इसको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क से बहुत ज़्यादा इसको दिखाया जाता है कि हाँ ये इंटरोगेटिव का ही सेंटेंस है, ठीक है? चलो आ जाओ, अब दूसरा केस बेटा क्या बन जाता है, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? लेकिन कुछ कई जगह पर बेटा डू और डज का स्टार्टिंग में यूज़ होता है, ठीक है? तो उसका भी केस, उसका भी आप रूल्स देख लिए, उसके बाद हम इस पर सेंटेंस भी बनाएंगे। डू यहाँ पर लिखा है, देन आपका डज, ठीक है? प्लस देखो डू या डज में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिख देना है कि चलो मुझे तो याद है चलो दोनों लिख देते हैं, बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी, फिर तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं करना है, डू लिखना है या डज लिखना है, ठीक है? एक ही लिखना है और वहाँ पर आपको केस मिलेगा, जैसे कि अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, ठीक है? चलो आगे देखो, प्लस सब्जेक्ट के साथ प्लस नॉट, अगर केस में अगर कहीं पर निगेटिव वर्ड आता है तो, ठीक है? नॉट भी नहीं लिखना है, ज़बरदस्ती नहीं लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर कहीं निगेटिव का केस आएगा, वैसे अगर आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो बिल्कुल भी आपको नॉट का केस नहीं दिया जाएगा, इतना टिपिकल आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है?
उसके बाद से बेटा नॉट हो गया, प्लस वी वन लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ स्पेशल रूल्स। चलो आ जाते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है बेटा, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत साधारण है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम सिंपल, अपने काम से काम रखते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, वैसा है ये अफर्मेटिव, ठीक है। अब चलो अफर्मेटिव को एक बार देख लेते हैं। दोबारा से मैं रूल्स इसलिए यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आप लोग इसको देखो, बार बार याद करो, और बार बार आपको जब आप उसको देखोगे तो बार बार जल्दी जल्दी आराम से याद हो जाएगा, और क्या होगा साथ में आपका जो आप ट्राई करना चाह रहे हो जब आप ट्रांसलेट करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो बार बार लिखो रूल्स, ठीक है। अगर नहीं भी आपको याद होता तो बार बार लिखने से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, प्लस लगाना है, वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेशर हो, टेंस के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको आपको बताना ज़रूरी है कि बेटा एस और ES हर जगह नहीं लगता है। यहाँ पर जब केस आता है सिंगुलर का तभी एस और ES लगेगा, प्लूरल में ये नहीं लगते हैं, ठीक है, प्लूरल में ये नहीं लगते हैं, ठीक है। और साथ में एक एक्सेप्शन भी है, आई और यू के साथ कभी एस और ES नहीं लगेगा, ठीक है, कभी भी नहीं लगेगा। चलो आ जाओ ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेशन में क्या है बेटा, ट्रांसलेशन में क्या होता है ना, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस हम पढ़ते क्यों, ताकि हमको कुछ भी हिंदी लिखा हो उसका हम हिंदी को इंग्लिश में कर सके, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो आपको क्या करना है, आपको भी ट्रांसलेशन करना है ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर क्या है बेटा, पहला वर्ड आपको, पहला सेंटेंस आपको क्या दिख रहा है, मैं रात में पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या दिख रहा है, मैं रात में पढ़ता हूँ। इसका अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आई स्टडी एट नाइट। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर वर्ब के साथ SES क्यों नहीं लगा, आई तो अकेले है, लेकिन मैं आपको एक्सेप्शन बताई थी, आई और यू के साथ कभी भी एस और ES नहीं लगेगा, ठीक है, तो आपको एस और ES यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, आई स्टडी एट नाइट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, द हॉर्स रन्स फास्ट। अब यहाँ पर क्या है बेटा, रन्स यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स है, हॉर्स अकेला है, और हॉर्स क्या है, एक क्या है बेटा, एक वर्ब है जो कि आपको बता रहा है यहाँ पर कि हॉर्स दौड़ता है। उसके बाद से बेटा आ जाता है आपका नेक्स्ट लाइन, वो है वह मुझे चढ़ाता है, ठीक है, वह मुझे चढ़ाता है। इसमें क्या है बेटा, इसमें है कि वो मुझे चढ़ाता है, मतलब कि कोई एक इंसान है और वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या है, चढ़ाने का वर्ब जब यूज किया गया, तो चढ़ाना क्या है बेटा, एक वर्ब है, वर्ब है, साथ में सिंगुलर भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एस का यूज होगा, ठीक है, क्या होगा, एस का यूज होगा क्योंकि वो सिंगुलर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ही टीजेस मी, ठीक है। आपको एक बार फिर से हम फटाफट ट्रांसलेशन आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट था, मैं रात में पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट नाइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई है, आई के साथ एक्सेप्शन है कि यहाँ पर एस और ES का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो आई स्टडी एट नाइट, ये समझ में आ गया। मैं आता बेटा घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है का मतलब क्या है, एक घोड़ा है, मतलब वो सिंगुलर है, और साथ में जो वर्ब है वहां पर क्या लगा है, ये जो वर्ब है वहां पर क्या लगेगा बेटा, एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर हॉर्सेज होता तो यहाँ पर रन होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है बेटा, वो मुझे चढ़ाता है, या फिर वह मुझे चढ़ाता है का क्या हो जाएगा, वो अकेला है, तो क्या होगा, ही टीजेस मी, ही टीजेस मी, टीजेस मी मतलब होता है चढ़ाना, टीजेस मतलब होता है चढ़ाना, ठीक है, ही टीजेस मी, ठीक है। तो ये था अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन। इसके बाद बेटा हम करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का ट्रांसलेशन दूसरे पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में अगर हम करेंगे तो ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा और आपको भी देखने में इशू आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने अगले पार्ट में इसको बना करके आपको दे देना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसके आगे का भी चीजें सीख पाएं रूल्स के साथ, तो आप पार्ट 2 भी देख लेना, ठीक है।